फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना जो है बेकाबू होती नजर आ रही है, एक के बाद एक नए जिले कोरोना की जद में आते जा रहे हैं। बिहार की बात करें तो आज अररिया में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आज के दिन के पहले अपडेट में कुल 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके साथ ही बिहार में यह आंकड़ा 359 पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि पिछले 7 दिनों से बिहार में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बेहद तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक जमालपुर में 42 साल के शख्स को कोरोना संक्रमित पाया गया है मुंगेर में, जबकि कैमूर के 22 साल के एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। कैमूर में ही 4 साल और 19 साल के लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है, और साथ ही 20 साल के लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी कैमूर के भभुआ के रहने वाले हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में कुल जो हैं वो 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 6 अलग अलग इलाकों में हैं, जिसमें 35-18, 35-56, 70 और 25 साल के लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अररिया के चिकनी जगह पर भी जो है वहाँ पर संक्रमण ने दस्तक दे दी है। वहीं बांका के पोखरी में भी संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही बिहार में कुल जो आंकड़ा है वो बढ़कर के हो गया है 359 का। आपको बताएं कि आज कुल 13 कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं वो अभी तक निकल के सामने आए हैं। इसके पहले की बात करें यानी कि जो बीता जो सोमवार था उस दिन कोरोना ने सबसे ज़्यादा बड़ी छलांग बिहार में लगाई, यानी कि एक साल सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। बिहार की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके साथ ही बिहार के काम में जो आंकड़ा है अब अचानक से 350 के ऊपर यानी कि 360 के आसपास पहुंच गया है। वहीं पटना की बात करें तो पटना के भी नए 4 इलाकों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं पटना के बोरिंग रोड इलाके से भी संदिग्ध को जो मेडिकल टीम है उसने रेस्क्यू किया। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।